हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। वीडियो पार्ट टू, 5 क्वेश्चन सीरीज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स रिलेट टू बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन ए फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी लोन्स, ऑप्शन सी एनआईआर रेमिटेंसेस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए गाइस, यहां पर कहा गया है कि कौन कौन से आइटम्स बीओपी कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड हैं। तो यहां तीनों के तीनों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, लोन्स भी, एनआईआर रेमिटेंसेस भी, तीनों के तीनों हमारे बीओपी कैपिटल अकाउंट से रिलेट करते हैं, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में वो सारी ट्रांजेक्शन आती हैं जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को इंपैक्ट करती हैं, और ये तीनों ट्रांजेक्शन हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को इंपैक्ट करती हैं। स्पेशली अपना एनआरआई डिपॉजिट्स की यहाँ पर बात हो रही है, एनआरआई डिपॉजिट्स की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर आता है ऑल ऑफ दीज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर टू, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेजर्ड एज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन ए एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ऑप्शन सी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ कैपिटल एंड ऑप्शन डी ऑल एक्सपोर्ट्स एंड ऑल इंपोर्ट्स। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है गाइज? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स का डिफरेंस होता है, तो विजिबल आइटम्स को गुड्स कहते हैं। तो यहां पर अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो गुड्स का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस यहां पर बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। तो सही आंसर हमारा आता है ए। चलिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गाइज अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक हमें बताता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो आपके लिए यूजफुल है। चलिए गाइस, नए क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्डेड। ऑप्शन ए इनविजिबल आइटम्स, ऑप्शन बी विजिबल आइटम्स, ऑप्शन सी कैपिटल ट्रांसफर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो गाइज यहां पर देखिए कहा गया है बीओटी की ट्रांजेक्शन, बैलेंस ऑफ ट्रेड की ट्रांजेक्शन, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो भी ट्रांजेक्शन होती है विजिबल आइटम्स की होती है। तो डायरेक्टली अगर हम यहां बात करें तो आंसर आता है हमारा बी। गाइज अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो कमेंट जरूर करें, ताकि हम आगे हम ऐसी नई वीडियोज लाते रहें आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट्स द बैलेंस रिलेट्स टू। गाइज ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत जरूरी होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूरी करेंगे। ऑप्शन ए करंट अकाउंट बीओपी, ऑप्शन बी कैपिटल अकाउंट बीओपी, ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो गाइज जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है, तो यहां पर भी सही आंसर आता है बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड। गाइज आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सीरीज का आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड, इनमें से किसे बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऐड नहीं किया जाता है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, बी एक्सपेंडिचर बाय टूरिस्ट, सी बोरोविंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो गाइज अगर हम डायरेक्टली कहें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में इनमें से किसी को भी ऐड नहीं किया जाता है, इनमें से कुछ भी बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऐड नहीं होता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स, जबकि यहां पर कोई भी विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं दिया गया है। तो यहां पर सही आंसर आता है डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से किसी को भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो को पसंद आई, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।